मैंने उसको क्या बोला, मतलब बेटा मेरा लड़का मेरे पोतरे की शादी है ऊपर वाले छोटे लड़के की, लड़के की क्या? तो मैंने कहा सब वहाँ गए, मैं ही बेटा। तो नहीं बोले तुम, उन्हें मेरे पास आना था बाहर। मैंने बोला बेटा मैं अपंग है, देखो क्या बोलो। मैंने कहा चल मैं आता हूँ, तू बोल। नहीं बोले, मैंने तो अब काटने को भेज दिया है, मतलब तेरी मर्जी भाई। हुआ यहाँ पर आपके घर के अंदर भी? पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और नितिन राउत जी से तक ये बात जाना चाहिए मेरी कि बीज पुरोठा अधिकारी जरूरत से ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं, और ये लोगों ने आज मेरे ससुराल में आकर इन्होंने बगैर अनुमति से, यानी सिर्फ एक अपंग आदमी के ऊपर इतना बड़ा अन्याय किया। अगर उनकी जान का कम ज़्यादा हो जाता है तो उसका जवाबदार कौन? क्या किया? एक दिन अगर वो रुक नहीं सक, बिजली अगर काटना थी तो एक कोई ऐसे व्यक्ति से बात करे होते जो घर का सदस्य मेन है, यानी उनका लड़का बड़ा, अगर उनसे बात की होती और उनसे फैसला लिया होता कि भाई आप ये बिल भरो, या फिर उनसे नंबर मांगना चाहिए था, कि उनसे फोन पे कांटेक्ट करके बात करना चाहिए था। ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में बिजली काटने से तुम्हारे कोई उधर बिजली बढ़ने वाली है। घर में बिजली लगती कितनी? तो मेरा ये कहना है कि अगर ये हमारे साथ ये होता है तो नितिन राउत जी को ये कहना है कि मेरी जगह के ऊपर 53(4)(a) में जब इन्होंने डीपी डाले, और 2016 में जब डीपी डाले इन्होंने, और मैं अभी तक आज तक उनसे भाड़ा नहीं मांगा, और वो मेरे को बोलते कि डीपी शिफ्टिंग का पैसा भरो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे डीपी शिफ्टिंग का भाड़ा अगर मैं भरता हूँ तो सबसे पहले मैं इनसे भाड़ा मांगूंगा, और ये बिजली या इनका अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो इसका इसके जिम्मेदार कौन? आपका जो है ऐसा कितना बिल था जो आपका जो है यहाँ पर बिजली? अभी मैंने देखा हूँ बिजली का बिल तो 7,140 रुपये बता रहा है, जबकि ये जरूरत से ज्यादा भेजते यूनिट रहता कुछ और भेजते कुछ। आज कौन सी तारीख को जो है आपका ये बिजली का बिल और कितने बजे काटा गया है? ये आज 12:30 बजे के आसपास में काटा गया, जबकि हम लोग यावल में शादी में थे। 12 बजे के आसपास में रुखसाना भी अमीन खान, अब ये अमीन खान का नाम है कि नहीं इस पे देखो, और ये अपाइज इंसान है कि नहीं, इनका पूरा के पूरा फोटो लो आप।